Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, assalamu alaikum. First of all, please recite third kalma and durood sharif. Dear students, today we will start our unit number 3, and this is poem Try Again by William Edward Hickson. Dear student, before poem, we must know about William Edward Hickson, the writer of this poem. He belonged to England and he was a very rich person. His father was a shoemaker. He went to Germany for higher studies. Then when he came back, he wrote many books on German school system. His book Time and Faith was his lifetime achievement, which is on German school system. He used proverbs in his poetry and became very popular. He also wrote the improved version of British national anthem. This is the poem Try Again. Before starting the poem, we must know something about Try Again. What is Try Again? In Quran Pak, Allah subhanahu wa ta'ala says, La taqnatu min rahmatillah, कि मेरी रहमत से जो है वो मायूस ना हो. कुल इबादियल्लज़ीना असरफु अला अनफुसिहिम ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज सेइंग दैट तौबा इज द मेन थिंग, एंड दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ ए ट्राई अगेन. ट्राई अगेन, व्हाट लेसन इन ट्राई अगेन? वी मस्ट नो द वेरी पॉपुलर एग्जांपल of King Bruce. Okay, what lesson did the king learn from the spider? The king learned from spider that a man should keep on trying till his success. And why is try again important in life? Trying again and again is very important in life because it is the struggle only which take us to the road of success. Dear students, this is the stanza number 1. In Urdu we call it band. किसी भी poem को लिखने के लिए English में से stanza, Urdu में इसको band कहते हैं. Now we'll start our poem. This is a lesson you should heed. If at first you don't succeed, then your courage should appear. For it you will persevere. You will conquer, never fear. Try again, try again. This a lesson you should heed. Heed, गौर से सुनना. Heed, किसी बात को तवज्जो के साथ सुनना. Try again, फिर कोशिश करो. Courage, हौसला और जुर्रत. और persevere, साबित कदम रहना. You will conquer, never fear. Conquer, गालिब आना, फतह करना किसी चीज़ को, फतह होना. Fear, डर और खौफ. शायर कहता है कि ये एक सबक है, यू शुड हीड, जो जिसको आप गौर से सुनो. इस सबक को, ये एक सबक है जिसको गौर से सुने. ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो, फिर से कोशिश करो. इफ़ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, अगर शुरू में, अगर पहले पहले यू डोंट सक्सीड, आप कामयाब नहीं होते, देन योर करेज शुड अपीयर, तब आपकी हौसला मंदी जो है वो सामने आनी चाहिए. जब आपकी जरूरत को सामने आना चाहिए या तब आपको जरूरत का मुजाहरा करना चाहिए. फॉर इट यू विल परसीवियर, इसके लिए आपको साबित कदम रहना होगा. इसके लिए आपको साबित कदम रहना होगा कि आपके पाँव कहीं ना डगमगाएं. यू विल कनकर, आप ही गालिब आएंगे. नेवर फियर, कभी ना डरें. ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें. वंस और ट्वाइस दो यू शुड फेल, अगरचे आया कि आप जो है वो एक या दो मरतबा नाकाम हो जाते हैं. इफ़ यू वुड एट लीस्ट प्रीवेल, लेकिन आखिरकार आप ही गालिब आएंगे. इफ़ का तर्जमा जो है ये यहाँ पे नहीं किया जाता, ये इसका इंट्रोडक्टिव पार्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है. अब देख लें, प्रीवेल गलबा पाना, छा जाना, स्ट्राइव सख्त कोशिश करना, ग्रेस रुसवाई जिल्लत. इफ़ वी स्ट्राइव दिस नो डिसग्रेस,
अगर हम दोबारा सख्त कोशिश करें, बहुत ज्यादा कोशिश करें, तो ये कोई रुसवाई या जिल्लत की बात नहीं। दो वी डिड नॉट विन द रेस, अगरचे हम जो है वो रेस को, दौड़ को नहीं जीतेंगे, वट शुड यू डू इन दैट केस, अगर हम नहीं जीत पाते तो अब इस केस में, इस मामले में अब हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करेंगे या हमें क्या करना चाहिए। इफ यू फाइंड योर टास्क इज हार्ड, अगर आप अपना काम मुश्किल पाते हैं, टास्क काम रिवॉर्ड इनाम दो, अगरचे फोक लोग पेशेंस सबिर रूल असूल। नाउ कम हियर, इफ वी स्ट्राइव, अगर हम कोशिश करें, सख्त कोशिश करें, दिस नो डिसग्रेस, ये कोई जिल्लत या रुसवाई की बात नहीं। दो वी डिड नॉट विन द रेस, अगरचे हम जो है वो उस दौड़ को या उस जो कंपटीशन को जीत नहीं पाए, व्हाट शुड यू डू इन दैट केस, तो हमें अब इस मामले में क्या करना चाहिए। नंबर थ्री में, इफ यू फाइंड योर टास्क इज हार्ड, अगर आप अपना काम मुश्किल पाते हैं, टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवॉर्ड, वक्त जो है आपको अपना वो सिला देगा, आपको अपना इनाम देगा, रिवॉर्ड इनाम आपको। इफ यू फाइंड योर टास्क इज हार्ड, अगर आप अपने काम को मुश्किल पाते हैं, टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवॉर्ड, वक्त आपको अपना इनाम देगा। ऑल दैट अदर फोक कैन डू, जो वो सब काम जो दूसरे लोग कर सकते हैं, वाई विद पेशेंस शुड नॉट यू, आप क्यों सबर या साबित कदमी के साथ नहीं कर सकते। ऑनली कीप दिस रूल इन व्यू, सिर्फ इस असूल को मद्देनजर रखें, ट्राई अगेन दोबारा कोशिश करें। तो ट्राई अगेन दोबारा कोशिश करें, ये जो है दैट इज अ वेरी गुड थिंग, यू वी मस्ट ट्राई अगेन एंड अगेन। And this is the message of the poem also. This message is universal. Try again is the key to success. Jazakallah.